नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे सी के अंदर। उसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू उसके अंदर वैल्यू भरते हैं जिसमें दो बार लूप चलाना पड़ता है, उसके साथ साथ उसके बेस एड्रेस और एड्रेस कैसे किया जाता है, मतलब एक तरीके से मेमोरी मैप कैसे किया जाता है, इन चीज़ को समझेंगे और कितने एलिमेंट्स टू डायमेंशनल एरे के अंदर होते हैं उसको भी जानेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरे के सिंटेक्स की। तो अगर हम लोग बात करें कि टू डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें पहले डेटा टाइप होता है, मतलब कि हम लोग इंटीजर टाइप का बनाना चाहते हैं, कैरेट टाइप का बनाना चाहते हैं, फ्लोट टाइप का बनाना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है और वो चीज़ हम डेटा टाइप में असाइन करते हैं। उसके बाद होता है हमारा एरे नेम, एरे नेम। उसके बाद अगले ब्लॉक में हम लोग अपना रो साइज डालते हैं कि हमारी कितनी रोज होंगी उस एरे के अंदर। उसके बाद अगले वाले में हमारे कितने कॉलम होंगे इसके अंदर, और ये हमारा जो होता है वो सिंटेक्स होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो मान लीजिए हमने एक एरे बनाया इंट नाम का, जिसका नाम है एर ARR, उसमें हमने रो रखी 4 और जो कॉलम है वो रखे 2, ये हमने इसके अंदर रख दिए मान लीजिए अभी। तो जब हम इसको इस तरीके से एलोकेट करेंगे तो कहीं ना कहीं मेमोरी में एक एर नाम का जो है वो बन जाएगा। और ये बनेगा कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमारी रो और कॉलम होती है, तो सबसे पहले एर की जो है वो रो बनेगी, तो क्या हो जाएगी, रो 0 नंबर, रो 1 नंबर, रो 2 नंबर और रो 3 नंबर, मतलब कि हमारी चार रो बन जाएंगी जो कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबरिंग लेंगी, और हमारे दो कॉलम भी बनेंगे, एक कॉलम 0 नंबर का और एक कॉलम 1 नंबर का। तो अगर हम लोग ये बात करें कि हमारे अगर इस एरे में कैलकुलेट करना हो कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो हमेशा आपको ये एलिमेंट ऐड करने के लिए रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मतलब रो इनटू कॉलम आप कराएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस 2D एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे इसमें 4 रो और 2 कॉलम है, तो 4 × 2 8 एलिमेंट्स होंगे। अब इसके अंदर अगर 8 एलिमेंट्स होंगे और ये इसको रिप्रेजेंट करने का ग्राफ है, तो हमारा जो ये कॉलम्स बनेंगे ये इस तरीके से बनेंगे, जिसमें कि हमारा जो पहला यहाँ एलिमेंट होगा उसकी रो 0 होगी और कॉलम 1 होगा, और इसी का यूज़ करके हम इसमें कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। दूसरे वाले का रो 0 होगी यहाँ से और कॉलम 1 होगा, इसी तरह अगले वाले का रो 1 होगी कॉलम 0 होगा, इसमें रो 1 होगी कॉलम भी 1 होगा, इसमें हमारा जो है वो रो 2 होगी और कॉलम 0 होगा, इसमें रो 2 होगी और कॉलम 1 होगा, इसमें हमारा रो 3 होगी कॉलम 0 होगा, इसमें हमारी रो 3 होगी और कॉलम 0 होगा, और इन्हीं नंबरिंग के हिसाब से हमारे जो 8 एलिमेंट्स हैं वो भरे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं इस एरे में यहीं पे वैल्यूज को असाइन कराना चाहता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कराऊंगा तो मैं कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा और वैल्यू जो है फिलअप करना शुरू कर दूंगा। तो मैंने वैल्यू भरी मान लीजिए, एक तरीके से अपने मन से ही भर देते हैं, चलिए 2, 10, अगली भरी 3, 9, अगली भरी 4, 12, अगली भरी मैंने 5, 15, और ये एरे जो है हमने इसके अंदर 8 वैल्यू भर दी। तो एक तरीके से जो ये 2 वैल्यू है आपकी जो स्टार्टिंग में आई है वो इस 0, 1 वाले में आके स्टोर होगी, और जो ये 10 वैल्यू है वो यहाँ पे होगी। फिर अगली जो इसकी 3 वैल्यू है ये रो 1 में आके स्टोर होगी, जो 9 वैल्यू है वो यहाँ पे आके स्टोर होगी, जो 4 वैल्यू है वो 20 पे, और जो 12 वैल्यू है वो यहाँ पे, जो 5 वैल्यू है वो यहाँ पे, और जो 15 वैल्यू है वो यहाँ पे। इस तरीके से क्या होगा, ये स्टोर होंगी। अब इन्हीं तरीके से इनको एड्रेस भी दिया जाता है, जैसे कि कंसेक्यूटिव एड्रेस हम लोग जानते हैं, 16 बिट कंपाइलर के अंदर में एक इंटीजर को 2 बाइट होती हैं जिसके थ्रू वो वैल्यूज को स्टोर रखता है। तो अगर मान लीजिए जो हमारा ये आपको दिख रहा है इसका एड्रेस, अगर यहाँ पे एड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ,
1001 है तो 2 बाइट के अंदर में अगला एड्रेस इसका होगा और वो क्या होगा 1003। उसके बाद में इसका एड्रेस होगा वो होगा 1005। उसके बाद इसका एड्रेस होगा 1007। इसका एड्रेस हो जाएगा फिर 1009। इसका हो जाएगा 1011। तो इसका हो जाएगा 1013 और इसका एड्रेस हो जाएगा 1015। इस तरीके से क्या होता है 2D एरे में एड्रेसेस को भी हम असाइन करा देते हैं। लेकिन ये बात तो हुई 2D की पूरी तरीके से कि कॉलम कैसे बनते हैं, कहाँ वैल्यू स्टोर होती, कैसे असाइन कराते हैं, रो मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे वो कैसे जानते हैं। लेकिन अगर यहीं 2 डायमेंशनल में हम ये बात करने लगे कि हमको डायरेक्ट नंबर नहीं भरने, हम एक प्रोग्राम के थ्रू और लूप के थ्रू नंबर्स को भरना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा उसको भी हम लोग समझते हैं। तो मैं इसी एरे के बिहाफ पे आपको भर के दिखाता हूँ कि अगर हमें इन्हीं एरे के नंबर्स को भरना हो किसी प्रोग्राम से, किसी लूप से, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स हैशटैग इंक्लूड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये हमारी जो क्या है हेडर फाइल इंक्लूड हो गई एसटीडीआई। उसके बाद हमारा जो मेन सेक्शन है वो शुरू होगा। इस मेन के बाद हम लोग दो इंटीजर लेंगे क्योंकि हमारे पास एक रो है एक कॉलम है, तो हम लोग ले लेते हैं एक इंटीजर एक्स और एक इंटीजर वाई। उसके बाद हम अपना एरे बनाएंगे जो इंट टाइप का एर है, जिसको क्या है 4 और 2 वैल्यू असाइन की गई है, मतलब रो 4 होंगी और कॉलम जो है वो 2 होंगे। अब आपको देखना क्या है, आपको लूप चलाना है। हम लूप लेने वाले हैं या फॉर लूप। तो अब आप ये समझिए कि जब ये फॉर लूप चलेगा तो ये जो पहला फॉर लूप है ये एरे की रो वाले के लिए चलेगा, मतलब कि इसमें कंडीशन जो है वो रो के हिसाब से लगेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मैं एक्स को 0 मानता हूँ, तो अगर मुझे रो में 4 वैल्यू को एंटर करना है तो मैं लूप को सिर्फ 4 बार चलने दूंगा। तो मैं कंडीशन क्या डालूंगा, एक्स इज लेसर देन इक्वल टू 3, मतलब कि लूप सिर्फ 4 बार चले और एक्स प्लस प्लस। उसके बाद तुरंत यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होगा और आपको ये याद रखना है कि तुरंत फिर से फॉर लूप चलेगा। और ये फॉर लूप अब किसके लिए चलेगा, ये फॉर लूप चलेगा अब कॉलम के लिए। तो कॉलम के लिए जो मैंने यहाँ पे इंटीजर था वो वाई मान रखा था, तो कॉलम में भी मैं 0 इनिशियलाइज करता हूँ और कॉलम में मुझे कितनी वैल्यू एंटर करानी है, 2 वैल्यू एंटर करानी है। तो मैं क्या करूंगा, वाई इज इक्वल टू और ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल टू 1, मतलब सिर्फ 2 बार लूप चले और वाई प्लस प्लस, इसमें भी क्या हो इंक्रीमेंट होता रहे। अब जो ये 2 लूप चले इसके अंदर में मैं स्कैनएफ करूंगा एरे को। तो अब मैं यहाँ पे अगर स्कैनएफ करता हूँ, स्कैनएफ परसेंट डी कॉमा एंड, और एरे का नाम था मेरा ARR और इसके अंदर x, मतलब जो मेरी यहाँ पे वैल्यू हो रे वैल्यू वहाँ पे ये, और उसके बाद में मेरा y जो मेरी कॉलम वैल्यू हो वो यहाँ पे, इसको भर दो। ये फॉर का इस फॉर का क्लोज, ये इस फॉर का क्लोज और ये मेन का क्लोज। इस तरीके से क्या होगा मेरा प्रोग्राम बनेगा। अब ये रन कैसे करेगा इसको भी हम ही लोग को देखना होगा। तो देखिए जब हमारा ये प्रोग्राम चलेगा तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में, देखिए तो 0 होगी, कंडीशन चेक होगी 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू हो जाएगी, और जैसे ही नीचे आएगा तो ये y की वैल्यू क्या लेगा 0 लेगा। तो ये y की वैल्यू जब 0 लेगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये लूप चलेगा। तो जैसे ही एरे के अंदर एंटर करने आएंगे तो इससे एरे क्या एंटर होगा हमारा, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे, मान लीजिए हमने 2 वैल्यू डाली, तो वो एरे के 0 0 वाले कॉलम पे जाएगी, मतलब कि एरे के यहाँ पे 0 0 होगा हमारा, मैंने स्टार्टिंग में गलती कर दी थी, 0 रो थी 0 कॉलम था, तो वो क्या होगा एरे के 0 0 वाले में चली जाएगी। फिर ये लूप तो यहाँ से खत्म होगा लेकिन फिर फॉर लूप चलेगा क्योंकि ये खत्म तो हुआ नहीं है। तो जब ये फॉर लूप चलेगा तो एक्स की वैल्यू तो 0 ही थी पहले से और y की वैल्यू अब क्या हो गई है 1 हो गई है, y की वैल्यू 1 हो गई है। तो अब जब ये एरे आएगा तो ये एर जो वैल्यू फिल करेगा ये 0 रो और 1 कॉलम में फिल करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 10 वैल्यू रखी तो एर 0 1 आके इस वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा देगा। उसके बाद ये लूप जब तिवारा चलेगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये लूप तो चल ही रहा था तो इसके पास फिर जाएंगे। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और जैसे ही नीचे आएगा फिर y की वैल्यू 0 मिलेगी,
तो अब की बार जो एर होगा उसमें एक्स वन होगा वाई जीरो होगा, तो वन जीरो कहाँ पे मिलेगा, ये वन जीरो यहाँ पे मिलेगा, तो अगर हम थ्री वैल्यू एंटर कराएंगे तो वो यहाँ पे एंटर हो जाएगी। इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा और एक एक करके हम सारी वैल्यू लूप के थ्रू भर देंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है हमारा टू डायमेंशनल एरे का, जिसको मैंने बहुत कम टाइम में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही सारे सी के कॉन्सेप्ट मेरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।